वेलकम वेलकम टू माय क्लास नाइन्थ स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हिंदी। सब्जेक्ट हिंदी में चैप्टर नंबर 13 नीति के दोहे के हम पार्ट 4 करेंगे। ओके, तो आज मैं इसमें आपको व्याकरण बताऊंगी कि पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तत्सम, समूह के एक शब्द कैसे लिखते हैं। ओके, तो अभी पर्यायवाची शब्द लिखना है आपको, विभाग अ के शब्दों के पर्यायवाची शब्द विभाग ब से ढूंढ कर लिखना है। ओके, तो मैं यहाँ लिखती हूँ, फर्स्ट है तरुवर, सेकंड कसौटी, थर्ड मी, फोर्थ लघु, फाइव दीन बंधु और सिक्स प्राकृतिक। ओके, यहाँ ए बी सी डी ई एफ। ओके, तो आपको एक दूसरे से मैच करके लिखना है। तरवर को क्या कहते हैं, उसके सामने ब्रिज, तरवर को ब्रिज, कसौटी परीक्षा, मीत मीत लघु छोटा, दीन बंधु भगवान और प्राकृतिक शोभा। तो हम इसको मैच भी कर सकते हैं और विभाग के अनुसार यहाँ आंसर लिख सकते हैं। ओके, तो हम इसका आंसर लिखेंगे। फर्स्ट नंबर क्या है, वन में है तरुवर, तरुवर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ब्रिज। क्या लिखेंगे हम, ब्रिज। ओके, फर्स्ट तरुवर का होगा ब्रिज। सेकंड नंबर में है आपका ब्रिज, कौन से, बी, बी में ब्रिज लिखेंगे। यहाँ मैं आपको ठीक से लिख के बता देती हूँ, फर्स्ट नंबर है तरुवर, तरुवर। ओके, इसका आंसर आएगा बी, ब्रिज, ब्रिज। ओके, ब्रिज। सेकेंड है कसौटी, कसौटी, कसौटी का आंसर आएगा ए। तो जिसका जो आंसर आएगा हमें उसके हिसाब से लिखना है। कसौटी यानी ये आंसर है परीक्षा, परीक्षा। ओके, और हमने क्या लिखा, ती, थ्री, मी, थ्री में क्या लिखेंगे, मी, मी, मी का क्या होगा, मी, डी, नंबर डी में मी, मी मीन्स मी। फोर नंबर है लघु, लघु मीन्स छोटा, लघु मीन्स छोटा। तो हम किस इसका क्या लिखेंगे, छोटा, लघु, सी, इसका आंसर आएगा सी, मीन्स सी में है छोटा, लघु मीन्स छोटा। ई शोभा यानी कि फोर नंबर में हमने क्या लिखा, लघु। फाइव नंबर है दीन बंधु, दीन बंधु किसको बोलते हैं, भगवान को, ईश्वर को। ओके, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, फाइव नंबर में लिखेंगे आपको दीन बंधु, दीन दीन बंधु, दीन बंधु मीन्स मीन्स भगवान, एफ, भगवान, भगवान। ओके, या ईश्वर भी लिख सकते हैं, प्रभु भी लिख सकते हैं, है ना, हम भगवान, ईश्वर, प्रभु लिख सकते हैं। सिक्स नंबर में प्राकृतिक, सिक्स में प्राकृतिक, प्राकृतिक, प्राकृतिक मीन्स स्वभाव, स्वभाव। ओके, तो ये आपका
मैं एज फॉर एग्जाम्पल आपको समझा रही हूँ कि ऐसे भी आ सकते हैं विभाग अ के शब्दों को परिवाची शब्द विभाग व से ढूंढ कर लिखिए। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 मैंने लिख के आपको बताया। आगे मैं बता रही हूँ कि कैसे, इरेज कर देती हूँ। चलिए, सिक्स के बाद हम लिखेंगे सेवन नंबर। सेवन नंबर में लिखना है आपको हीट। सेवन नंबर में लिखेंगे यहां से हम हीट। एट नंबर में लिखेंगे खीरा। नाइन नंबर में है सुजान। सुजान टेन नंबर है। नाइन नंबर में सुजान। उत्तम, उत्तम इलेवन में दीन विभाग ब है ना, अ और ब है। तो यहाँ हम ऑप्शन में 1 2 भी लिख सकते हैं, वैसे मैं ए लिख रही हूँ। ओके, 1 2 3 4 5 भी हो सकता है। तो ककड़ी। ककड़ी भलाई, भलाई ककड़ी भलाई में जी एस आई जे के एल में से कौन से आएंगे।
एट में इन लेटर में से कौन से हैं और नाइन में कौन से हैं। तो हमने यहाँ अ और ब लिखा, यहाँ हम उत्तर लिखेंगे यानी कि आंसर। ओके, आंसर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सेवन नंबर है, क्या है, हित। हित मीन्स क्या होगा, हित का परिभाषित शब्द क्या होगा बच्चों, हित का परिभाषित शब्द भलाई। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हित का, यहाँ ऐसे लिखेंगे हित का भलाई, भलाई किस में है, एच। ओके, तो हम लिखेंगे भलाई। ओके, है ना। एट, एट नंबर में क्या है, खीरा, खीरा। ओके, तो खीरा का क्या होगा, ककड़ी, जी, जी लिखेंगे ककड़ी, ककड़ी। ओके, नाइन नंबर में है सुजा, नाइन नंबर में है सुजान। तो सुजान का परिभाषित शब्द क्या होगा, यहाँ हम देखेंगे नाइन में हमने क्या लिखा है, सुजान। तो इसमें से हमें ढूंढना है सुजान का क्या होगा परिभाषित शब्द, जे लिखेंगे पहले नाइन, सुजान जे, सज्जन सज्जन। ओके, टेन नंबर है आपका उत्तम, उत्तम, उत्तम मीन्स क्या होता है, जी, उत्तम कौन से, इसमें से देखेंगे कौन सा है, आई। उत्तम मीन्स श्रेष्ठ, उत्तम का परिवाची शब्द क्या होता है, श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ किसमें है, आई, आई लेटर में श्रेष्ठ लिखेंगे, उत्तम का परिवाची शब्द श्रेष्ठ। ओके, इलेवन, दिन, दिन, एक दिन, छोटी ई से दिन मीन्स दिवस, बड़ी दिन से इसका मीन्स होता है घड़ी, परिभाषित शब्द इसका क्या होगा, गणित। गणित किस में है, एल, एल में लिखेंगे दिन, एल में लिखेंगे गणित। ओके, ट्वेल्व नंबर में लिखना है हमको, ट्वेल्व में है भुजंग, ट्वेल्व में भुजंग। तो भुजंग का क्या परिभाषित शब्द होगा, सांप, सांप किस में है, के, तो लिखेंगे भुजंग, भुजंग के सांप। ओके, चलिए, तो ये आपका परिभाषित शब्द हो गया। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, हित का भलाई, खीरा का ककड़ी, सुजान का सज्जन, उत्तम का श्रेष्ठ, दीन का गरीब और भुजंग का शाम। ओके, तो ये आपका अपरिवाची शब्द कंप्लीट हो गया। आप अवसर में देखिए विभाग करके भी लिख सकते हैं, जैसे अ ब लिखा तो ए बी सी डी हो सकता है, क ख ग घ होता है। ओके, तो डेट इज क्लियर, इतना क्लियर हो गया आपका। तो हम आगे बढ़ते हैं, विलोम शब्द, विरुद्धार्थी शब्दों को जोड़ी बनाइए, है ना, तो उसमें भी जोड़ी बनाना है आपको। चलिए अभी आकर मैं सेकेंड आइए, जोड़ियां बनाइए,
पहला नंबर है आपका सज्जन, फर्स्ट है सज्जन, सेकंड नंबर है सज्जन, सेकंड मित्र, मित्र, थर्ड है विपत्ति, विपत्ति, फोर्थ नंबर परोपकार का, फाइव संभव, फाइव नंबर संभव, सिक्स नंबर संभव, सिक्स है अंगार, अंगार, ओके। यहाँ हमने लिखा विभाग दो बनाए, जैसे कि ये आपका विभाग अ है ना, विभाग, यहाँ विभाग लिख दीजिए, विभाग व, विभाग अ एंड व, ओके। तो व में क्या लिखना है हमें, व में लिखेंगे पहला पोला, पोला, ओके। सेकंड नंबर, सेकंड के लिए आरोपकार, 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 आरोपकार। थर्ड नंबर लिखिए आरोपकार, असंभव। फोर्थ नंबर, थर्ड में असंभव, फोर्थ नंबर में शत्रु, फाइव नंबर लिखिए सुख, सिक्स नंबर में लिखिए दुर्जन, दुर्जन, ओके। ये मैंने ऑप्शन लिखा, पहले आपको तो अपोजिट में ऐसे बता देते, लेकिन मैं बता रही हूँ विभाग अविभाग व भी, आप नाइन्थ स्टैंडर्ड में हो, जब आप टेन में भी जाओगे तो ऐसे आते हैं लिखने के लिए, है ना। तो हमें हर तरह से सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है, ओके बच्चों, कि किसी तरह से उल्टा सीधा क्वेश्चन आते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हम विद्यार्थी हैं जो समझ नहीं पाते हैं, आंसर आता है, बट ऐसा कभी होता है जो आप क्वेश्चन को ही नहीं समझोगे कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। आंसर आते हुए भी अगर आपके समझ में नहीं आए कि प्रश्नों का उत्तर क्या देना है, तो कभी ऐसा होता है हमारे पास आंसर रहते हुए भी, उत्तर रहते हुए भी हम उसको लिख नहीं पाते, ओके। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने इस तरह से भी आपको समझाने की कोशिश की कि कहीं आपको ऐसा ना हो कि आगे चल के कुछ ऐसा आ जाए विभाग अ विभाग व करके, विद्यार्थी सब विलोम सब परिवाची सब समानार्थी सब, तो आपको वहाँ कंफ्यूजन हो और वहाँ सोचने की आवश्यकता हो। इसलिए सभी को ध्यान में रखते हुए मैंने इस तरह से आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको अच्छा भी लगा होगा और समझ भी गया होगा, ओके। तो अभी तो मैंने ऐसे लिखा, अब हमें इसका उत्तर लिखना है कि सही क्या है, आंसर है ना, उत्तर, ओके। तो आप यहाँ बोर्ड पे देखिए कि विलोम शब्द का पहला क्या क्या लिखेंगे हम, सज्जन, सज्जन का क्या होगा, सज्जन का क्या लिखेंगे विलोम शब्द हम, दुर्जन, यहाँ लिखिए दुर्जन। सेकंड है मित्र, मित्र का क्या लिखेंगे, शत्रु, शत्रु, ओके। फिर थ्री में विपत्ति, विपत्ति, विपत्ति का विलोम शब्द क्या होगा, विपत्ति, आपको इसी में से ढूंढ के लिखना है, ओके। जो मैंने यहाँ ऑप्शन दिया है ना, वन टू थ्री फोर, तो विपत्ति का क्या होगा, सुख, यानी कि फाइव नंबर, सुख,
विरोधार्थी शब्द विलोम शब्द आरोप का आरोप का ओके। फाइव नंबर है संभव, संभव का क्या होगा असंभव। थ्री नंबर असंभव, संभव का असंभव। संभव का लिखेंगे असंभव, संभव। ओके सिक्स का लिखना है, सिक्स का है अंगार ओला, अंगार मीन्स ओला। ओके तो ये आपका विरोधार्थी शब्द हुआ, यहाँ आंसर मैंने लिख दिया है ना। जोड़े बनाना है तो आप चाहे तो ऐसे मैच भी कर सकते हैं, है ना। मित्र को शत्रु से, विपत्ति को सुख से, परोपकार को आरोपकार से, संभव को असंभव, है ना। सज्जन को दुर्जन हो गया, अंगार को ऐसे। ओके तो हमने हर तरह से आपको एक्सप्लेन करके समझा दिया कि आपको कैसे लिखना है। ओके तो आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए अब हम आगे देखेंगे निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से भाव संज्ञा पहचान कर लिखना है आपको, और निम्नलिखित शब्दों को लिंग पहचान कर लिखना है। निम्नलिखित शब्दों को लिंग पहचान कर लिखना है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे लिखना है, है ना। चलिए लिंग पहचानना है। निम्नलिखित शब्दों को क्वेश्चन नंबर थ्री आ जाइए। निम्नलिखित शब्दों को, है ना, निम्नलिखित शब्दों को लिंग पहचान कर लिखिए। लिंग पहचान कर लिखिए। ओके इसे लिंग पहचान कर आपको लिखना है कि ये कौन से लिंग है। पहला है आपका पहचान, पहचान। ओके सेकंड है पहचान, सेकंड नंबर में है परोपकार, परोपकार। थर्ड नंबर है मौत, थर्ड नंबर में लिखिए मौत, मौत। फोर तलवार, तलवार। फाइव में ककड़ी, फाइव नंबर है ककड़ी। ओके तो आपको इसमें लिंग पहचानना है तो हमको यहाँ लिखना है आपको। ओके कि ये कौन से लिंग का है, तो हम क्या लिखेंगे, पहला है क्या है तलवार पहचान, तो यह क्या है स्त्रीलिंग। हम क्या लिखेंगे इसको स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। ओके
फिर फाइव नंबर ककड़ी, ककड़ी फूलिंग, फूलिंग, ओके। तो लिंग पहचान कर लिखिए, स्त्रीलिंग एंड पुल्लिंग। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखना है, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक एक लिखिए, ओके। ओके, पहला शब्द है आपका दूसरों पर गई भलाई, दूसरों पर की गई भलाई, उसको क्या बोलेंगे? आपको मैं समझा दी, दूसरों पर की गई भलाई, पर की गई भलाई, ओके। दूसरों पर की गई भलाई को क्या बोलेंगे हम? परोपकार, लिखिए परोपकार, परोपकार, ओके। सेकंड नंबर है आपका, सेकंड में लिखना है अपने परिवार के रिश्तेदार, अपने परिवार के रिश्तेदार, अपने परिवार के रिश्तेदार, रिश्तेदार को क्या बोलेंगे हम? अपने परिवार के रिश्तेदार को सगे, सगे, सगे संबंधी, है ना, ओके। थर्ड नंबर में है गरीबों का, गरीबों के बंधु, गरीबों के, गरीबों के बंधु, दीन बंधु, क्या लिखेंगे? दीन बंधु, दीन बंधु, ओके। फोर्थ नंबर है जिसे किसी की सहायता नहीं है, जिसे किसी, जिसे किसी की सहायता नहीं है, जिसे किसी की सहायता, जिसे किसी की सहायता नहीं है, नहीं है, जिसे किसी की सहायता नहीं है, उसको हम क्या लिखेंगे? असहाय, 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 ओके। तो ये आपका निम्नलिखित शब्द समूह के एक एक शब्द को लिखिए ऐसे है। वैसे तो बहुत सारे शब्द होते हैं, बट मैं एक्सप्लेन करके आपको बता दी कि इतना ऐसा है। आज हमने व्याकरण में पर्यायवाची शब्द, विरोधार्थी शब्द और एक एक समूह के शब्द आपने पढ़ा, ओके। तो इसमें और भी है, जैसे जहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं विद्यालय, क्या लिखेंगे? जहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं विद्यालय, और जादू दिखाने वाला जादूगर, जहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं वहाँ विद्यालय, जादू दिखाने वाला जादूगर, और जो मरता नहीं अमर, जो मरता नहीं अमर, ओके। नेक्स्ट है खेल खेलने वाला खिलाड़ी, घोड़े की सवारी करने वाला घुड़सवार, ओके। तो ये आपका आज का ये कंप्लीट हो गया, लिंक ने भी किया हमने, है ना, ओके। हरिओम, थैंक यू।